क्या मध्य पूर्व का ऐतिहासिक देश सीरिया अब 5 टुकड़ों में बट जाएगा? 13 साल लंबे चले गृह युद्ध और हालिया सशस्त्र विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद अब सीरिया के अलग अलग हिस्से के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। असद परिवार के 53 साल तक चले वर्चस्व के खत्म होते ही सीरिया के कम से कम 5 टुकड़ों में टूट कर बिखर जाने का खतरा भी बढ़ गया है। गृह युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में अमेरिका, रूस, इसराइल, तुर्की और ईरान की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। वहीं कट्टर इस्लामिक आतंकी समूह हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विद्रोह के बाद कुछ और समूहों ने भी इलाके में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद बशर अल असद ने बातचीत के बाद जितनी आसानी और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भर दी, वह चौंकाने वाला था। सीरिया पर कब्जे की रेस में अब तुर्की के अलावा इसराइल और अमेरिका भी आ गए हैं। असद शासन के खात्मे के बाद अमेरिका ने सीरिया में 140 बम गिराए हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने ये हमले सीरिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर किए हैं, लेकिन हमले से अमेरिका की मंशा तो जाहिर हो ही जाती है। बाकी इसराइल ने तो सीरिया में अपनी सेना भेज ही दी है, जिसने गोलान हाइट्स में करीब 10 किलोमीटर तक अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इसराइल ने भी अमेरिका की ही तरह सीरिया के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, लेकिन इसराइल ने इस हमले के लिए दूसरा तर्क दिया है। इसराइल का दावा है कि बशर अल असद ने अपने वक्त में रासायनिक हथियार बना लिए थे और अब जब सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा है तो ये रासायनिक हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं, लिहाजा उनके खात्मे के लिए इसराइल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। यानी कि इसराइल ने भी अपनी मंशा तो जाहिर कर ही दी है, बाकी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की का सीधा समर्थन है। तो तुर्की सीधे दखल न देकर HTS और अबू मोहम्मद अल जुलानी के जरिए ही सीरिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। ऐसे में कम से कम सीरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ ही रहा है, जिसमें सबसे बड़े हिस्से पर तुर्की के समर्थन से HTS का कब्जा है। दूसरा बड़ा हिस्सा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है, जिसे अमेरिका का समर्थन है, और तीसरा हिस्सा गोलान हाइट्स वाला है, जहां पर इजरायल का कब्जा है। बाकी जिन इलाकों पर सीरियन नेशनल आर्मी का भी कब्जा है, उसे तुर्की का ही कब्जा मानिए, क्योंकि ये फोर्स तुर्की के समर्थन से ही बनी है। हालांकि इसके अलावा ISIS भी है, जिसने मध्य सीरिया के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ऐसे में अभी सीरिया पर आखिरी तौर पर कब्जा किसका होगा और हुकूमत किसकी होगी तय नहीं है, क्योंकि अब सीरिया का भविष्य सीरिया के लोगों को नहीं बल्कि अमेरिका, इसराइल और तुर्की को तय करना है। बाकी अगर रूस ने दखल दिया तो फिर पूरी कहानी ही बदल सकती है। ऐसे में अभी सीरिया के भविष्य को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।